गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो प्राचीन कालीन भारत था उसकी जो जो दक्षिणी भाग है उसके भौगोलिक एवं ऐतिहासिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, इतिहास विषय का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार प्राचीन कालीन दक्षिणी भारत के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको चैप्टर को अच्छे से देखना चाहिए। और इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके और दक्षिणी जो प्राचीन कालीन दक्षिण भारत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दक्षिण भारत की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दक्षिण भारत, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी भारत के भौगोलिक विस्तार के दो मूल बिंदु रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विंध्य पर्वतमाला एवं नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण से विभाजित करती हैं। ठीक है, तो जो विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी हैं, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती हैं। और विंध्य नर्मदा क्षेत्र का त्रिकोणात्मक दक्षिणी भाग दक्षिण भारत या दक्खन माना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं और महाकांता सघन जंगल उत्तर एवं दक्षिण के मध्य एवं पंचमुखी प्राचीर थे। परिणाम स्वरूप जहां दक्षिण भारत उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले विदेशी आक्रमणों से मुक्त रहा, वहां उत्तर एवं दक्षिण भारत की राजनीतिक एकता विभिन्न ऐतिहासिक युगों में मात्र क्षणिक रही। साथ ही भौगोलिक बाधाओं के होने पर भी उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य संचार तथा संपर्क में कभी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास तथा आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के मध्य अनेक विषमताएं हैं, तथापि भारत की मूलभूत एकता पर इसका कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। इतिहासकार फरिश्ता ने भी भारत की इसी एकता का दर्शन करके लिखा है, हिंद के पुत्र दक्खन के तीन बेटे थे, जिनके मध्य दक्षिणी प्रदेश आपस में बंटे हुए थे। इन तीनों के नाम थे मरठ, कलहण और तिलंग, अर्थात महाराष्ट्र, कन्नड़ और आंध्र तेलंगाना। विंध्य के दक्षिण से कन्याकुमारी तक विस्तृत दक्षिण भारत की कुछ अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं हैं। समुद्र की मेखला से मंडित दक्षिण भारत के पश्चिम में अरब महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। कन्याकुमारी के उत्तर पश्चिम में मालाबार समुद्र तट और उत्तर पूर्व में कोरोमंडल समुद्र तट दोनों ओर 1,000 मील तक फैले हुए हैं। इन दोनों समुद्र तटों के किनारे सैकड़ों प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ, परंतु कोरोमंडल समुद्र तट की तुलना में पश्चिमी मालाबार समुद्र तट जहाजरानी के लिए अधिक उपयुक्त और लाभप्रद था। परिणाम स्वरूप दक्षिण के सबसे अच्छे बंदरगाहों का विकास इसी ओर हुआ। सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से भी दक्षिण भारत की बड़ी विशिष्ट स्थिति थी। भूमध्य सागर और अफ्रीका से चीन तक विस्तृत लंबे सामुद्रिक मार्ग के केंद्र में स्थित होने के कारण शताब्दियों तक दक्षिण भारत देश के वैदेशिक व्यापार का केंद्र बिंदु रहा। सामुद्रिक सीमाओं का सैन्य व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। यद्यपि पुर्तगालियों के आगमन से पूर्व भारत पर कभी सामुद्रिक आक्रमण नहीं हुए, तथापि सामरिक एवं आर्थिक कारणों से दक्षिण के कुछ राजवंशों जैसे सातवाहनों, पल्लवों, चोलों एवं मध्यकाल में गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश को शक्तिशाली जल सेना का गठन करना पड़ा था। दक्षिण भारत के इतिहास में नदी गाठियों की बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। मध्यकाल तक दक्षिण का राजनीतिक विकास नदी घाटियों के मध्य विभिन्न भौगोलिक कोणों में हुआ और 15वीं शताब्दी तक राजवंशों का उदय और पतन दक्षिण की नदियों से घिरा रहा। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों ने शताब्दियों तक इतिहास के प्रवाह को अपनी सीमाओं में आबद्ध रखा। दक्षिण भारत के लगभग सभी राजवंशों का उदय इन्हीं नदी घाटियों के बीच हुआ और इन भौगोलिक बाधाओं को पार कर दक्षिण भारत की राजनीतिक एकता की स्थापना विभिन्न राजवंशों के लिए दिवाश्वपन जैसी बनी रही। इसी प्रयास में क्रमशः बादामी के पश्चिमी चालुक्य,
कांची के चालुके तंजूर के चोलों के बीच निरंतर संघर्ष की पुनरावृत्ति होती रही। कृष्णा एवं तुंगभद्रा दक्षिण भारत को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करने वाली भौगोलिक राजनीतिक प्राचीर थी। इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित रायचूर दोआब दक्षिण के राजनीतिक क्रीड़ा स्थली था। इसके उत्तर में कल्याणी के चालुक्य और दक्षिण में पल्लव तथा चोल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इस भौगोलिक बाधा को तोड़ने का अथक प्रयास करते रहे। विजयनगर साम्राज्य के पतन तक दक्षिण का इतिहास इसी भौगोलिक पृष्ठभूमि का सीधा परिणाम था। दक्षिण की जलवायु ने वहां एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के किनारे घने जंगलों में उत्पन्न बहुमूल्य सागौन, पाटल काष्ठ और चंदन की लकड़ी का विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार दक्षिण की जलवायु काली मिर्च, इलायची, सुपारी और नारियल आदि फसलों के लिए उपयुक्त थी। दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में शताब्दियों तक इन वस्तुओं का निर्यात होता रहा। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी राजवंशीय उत्थान पतन बहुत सामान्य रहे। राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में विभिन्न प्रादेशिक खंडों में राजवंशों का उदय हुआ, परंतु कृष्णा नदी का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग दक्षिण भारत की राजनीतिक महाशक्तियों के मध्य विभाजन रेखा बना रहा। 8वीं शताब्दियों के मध्य कृष्णा के उत्तर में राष्ट्रकूट तथा दक्षिण में कांची के पल्लवों के राज्य की तरह है। 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में क्रमशः यही स्थिति कल्याणी के चालुक्यों एवं तंजुवर के चोलों की थी। 8वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में जहां उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो रही थी, वहां उसके विपरीत दक्षिण भारत के इतिहास में महानतम राजवंशों का उदय इसी काल में हुआ, जैसे राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य। 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में दक्षिण के राजनीतिक वैभव का सूर्य अस्त हो गया और चोलों एवं चालुक्यों का स्थान अब 4 नवीन शक्तियों ने ले लिया। इस राजनीतिक विघटन का तात्कालिक प्रभाव दक्षिण पर दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार था, जिसके परिणाम स्वरूप 1296 से 1324 ईस्वी के लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत पर सल्तनत की शक्ति का विस्तार हो गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने दक्षिण भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, ऐतिहासिक स्थिति है, इन चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे भी आपको इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देख